दोस्तों अभी बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है एक से ऊपर एक, और इनमें से सैमसंग उसका गैलेक्सी M30V आज लॉन्च कर दिया है। काफी कमाल का स्मार्टफोन है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इस प्राइस में किसी भी ब्रांड सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो काफी अच्छी बात है, सैमसंग यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन गाइस हर फोन में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलता है, इस फोन में भी कुछ कमियां है। कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता है, और बहुत सारे आप लोग जानते हो बड़े बड़े यूट्यूबर इसका पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, कोई भी इसका कमियां नहीं बताते हैं क्योंकि वो लोग पेड रिव्यू देता है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा M30 में क्या क्या कमियां देखने को मिलता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर ये फोन आप बाय करने के लिए जा रहे हो तो आप जान पाओ ये एक कमियां है और ये एक कमियां नहीं है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप भी जानना चाहते हो M30 का कमियां तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों जो पहला कमियां है वो है गाइस इसका बिल्ड क्वालिटी। लुक काफी अच्छा है, M20 M10 की तरह ही लुक आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बैक साइड की तरफ ग्लॉसी लुक मिलेगा, फ्रंट साइड में यू कट नॉच मिलेगा, नीचे जो चेन है और साइड में जो वेजल्स है वो भी काफी छोटा छोटा दिया गया है। लेकिन गाइस इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो पॉलीकार्बोनेट है, ग्लास नहीं दिया है। अगर आपके हाथों से ये फोन गिर जाए तो फोन में क्रैचेस आ सकता है, लेकिन ग्लास में क्रैचेस नहीं आएगा, तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है M30 का। सैमसंग यहाँ पे दे सकता था ग्लास बैक, लेकिन गाइस यहाँ पे प्राइस कट किया है, तो मुझे लगता है सैमसंग को यहाँ पे ग्लास बैक देना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या आप पॉलीकार्बोनेट से खुश हो, कमेंट में जरूर बताना। दूसरा जो रीजन है वो है गाइस इसका प्रोसेसर। यहाँ पे दिया गया है 10794 चिपसेट जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का बराबर है, और मुझे नहीं लगता 15,000 रुपीस में ये वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है, क्योंकि इस प्राइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिल रहा है, और अभी तो रेडमी नोट 7 प्रो आएगा जहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 रहेगा, और वहीं पे सैमसंग यहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का बराबर चिपसेट दे रहा है, वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं है। अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ये फोन लेना चाहते हो, अगर आप हर दिन गेम खेलते हो तो ना आपके लिए ये फोन नहीं है। आप अगर कैमरा चाहते हो, अगर थोड़ा सेल्फी खींचना पसंद करते हो तो आपके लिए ये फोन है, गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। तीसरा जो रीजन है वो है गाइस इसका प्राइस। हाँ, बैक साइड की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, फ्रंट साइड में यू कट नॉच है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 5000 एमएच की बैटरी है, यूएसबी टाइप सी है, अच्छी बात है। लेकिन गाइस मैंने जैसे कि बोला प्रोसेसर वेल फॉर मनी फोन नहीं है, और मुझे नहीं लगता ट्रिपल कैमरा के लिए आपको 15,000 रुपीस पे करना पड़े। अगर इसका प्राइस 13,000 रुपीस के आसपास रखता तो काफी वैल्यू फॉर 14,000 तो रखता तो काफी वैल्यू फॉर मनी फोन माना जाता। लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता 14,000 रुपीस आप इसके लिए पे करो, क्योंकि जो पैसा होता है ना वो मेहनत का पैसा होता है, और मैं आप लोगों के पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो आ रहा है, रियलमी 3 प्रो आ रहा है, सैमसंग का खुद का ही सैमसंग गैलेक्सी A50 आ रहा है, काफी अच्छा स्मार्टफोन है, आप उसके लिए देख सकते हो, ये फोन मत खरीदो। मैं अगर आप पसंद करते हो तो खरीद सकते हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि फोन बेकार है, लेकिन गाइस फोन वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं है। और गाइस ये था आप लोगों के साथ शेयर कराना था, अगर आप बाय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे जाके बाय कर लेना, क्योंकि चैनल को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बड़ा धमाकेदार गिवअवे आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बलते रहिए, भारत माता की जय।